वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं और फिट हैं। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सर्जरी के बाद कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जो आपके आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और वो आपको फॉलो करने से कुछ अच्छे रिजल्ट आए जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ ताकि वो बेनिफिट हो सके। तो ये जो वीडियो है ना एक ब्लॉग स्टाइल में मैं शूट करूँगी, थोड़ा डिफरेंट थोड़ा अलग। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, रिकवरी में भी अच्छा हो रहा है फिलहाल। तो मैं बेल्ट बांध के हूँ, तो सबसे पहले बेल्ट से स्टार्ट करते हैं कि सर्जरी के बाद बेल्ट बांधने से फ़ायदे क्या है। तो सर्जरी के बाद अगर आपका लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुआ है या कोई भी सर्जरी हुआ है ना, अगर आप बेल्ट बांधते हैं तो बेल्ट से ये होता है कि आपको एक सपोर्ट मिल जाता है टमी एरिया में। देखिए मैंने बांधा हुआ है, ये देखिए ये टमी एरिया में ना आपको एक सपोर्ट मिल जाता है बेल्ट से। और इसमें क्या होता है ना, ये बेल्ट ऐसा, इससे पहले वाले भी वीडियो में जब मैंने आपको पहले बताया था जब मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ था, तो ऐसा बेल्ट बांध के रहने से एक तो बेल्ट में एक बेल्ट के वजह से एक सपोर्ट मिल जाता है आपके टमी एरिया को। और टमी ज़्यादा बोलते हैं ना, वो सर्जरी के बाद मेरा टमी आउट हो गया, तो बांध के रखने से वो भी आपका जो टमी एरिया वो ज़्यादा आगे मतलब बढ़ के नहीं आता है और सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये जो बेल्ट है आपको खाना खाते वक्त और सोते वक्त नहीं बांधना है, अदरवाइज़ आप वॉक करो। मैं ये बेल्ट बांध के हॉस्पिटल भी गई थी, मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो कार में जब मैं बैठी ना, इतना अच्छा फील हुआ, सपोर्ट अच्छा मिला, क्योंकि ये पूरा टमी को टाइट करके रखा था, टाइट था, तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बेल्ट मस्ट, अगर आपका अभी सर्जरी हुआ है या आपका सर्जरी प्लान हो रहा है तो आपने डॉक्टर से पूछिए और ज़रूर बोलिए, टमी बेल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। तो इसको अपने रिकवरी के टाइम पे ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम किस तरीके से सोते हैं। यस, सर्जरी के बाद हम कैसे सोते हैं और किस मतलब पोजीशन में उठते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सीरियसली वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से लेटते हो और किस तरीके से उठते हो। तो मैं अभी ये लाइव करके दिखाऊंगी। बेल्ट में बांध के रखी हूँ, नहीं खोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको बस दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, अभी आपको मैं प्रॉपर डेमो करके दिखाऊंगी कि मैं अभी मेरे सर्जरी का 12 डेज के बाद 14 डेज के बाद किस तरीके से मैं लेट रही हूँ और किस तरीके से मैं उठ रही हूँ। तो मैं ऐसे सपोर्ट के लिए दो पिलोज लेती हूँ, वो मेरा कुशन है सोफे का, वो मैं बड़ा वाला ली हूँ और एक छोटा सा मैंने पिलो बनाया है जो कि एकदम सॉफ्ट कपड़े से है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट कपड़े से है। तो अगर आप जब लेटते हैं ना तो आपको एक साइड होके लेटना है, जैसे कि मेरा इस साइड में स्टिचेस है, अगर मुझे इधर कंफर्टेबल है तो मैं इधर होके लेटूंगी और अगर इधर कंफर्टेबल है तो इस तरीके से आपको लेटना है। तो पहले मैं ये बेल्ट को निकाल देती हूँ ताकि मुझे ईजी हो। तो मैं जब लेटती हूँ नॉर्मली तो आराम से आपको लेटना है, आराम से आप लेट गए हाय। और जब आप सोए हो तो ट्राई करो आपके टमी के नीचे एक पिलो रखने का, आप ये साइड में रख सकते हो, जब आप उधर टर्न करते हो तो एक पिलो को कवर करो आपके इस टमी के ये पार्ट में रखने के लिए। इससे क्या होता है ना, टमी को सपोर्ट मिलता है, ज्यादा टमी नीचे नहीं जाता है और स्टिच में खिंचाव नहीं आता है। ये हो गया आप किस तरीके से लेटे हैं, ठीक है। अभी आपको उठना है, तो कभी भी आपको सर्जरी के बाद ऐसे स्ट्रेट नहीं उठना है, ऐसे सीधा नहीं उठना है, ऐसे नॉर्मल इंसान को भी सीधा नहीं उठना चाहिए। जब भी आपको बेड से उठना है एक साइड टर्न होके उठना है। अगर मैं ये साइड में टर्न हो रही हूँ तो सबसे पहले आपको अपने हाथों का सपोर्ट रखना है, ताकि आप चाहे तो उधर नीचे कर सकते हैं, हाथों का ये हाथ का सपोर्ट रख के इस तरीके से आपको उठना है। ऐसे इस पोजिशन में आप उठोगे और आराम से दैट्स इट, बस इतना ही करना है। ये प्रॉपर पोजीशन है सो के उठने का। इनिशियली कुछ दिन तो आप किचन में आके काम करने को नहीं होगा, तकलीफ होता है, नहीं होता है। और तो फिर मेरे पास अभी जो है मेरी हेल्पिंग हैंड है जो कुकिंग करती है, सुबह आती है, ब्रेकफास्ट वगैरह मैं मैनेज करती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ और हस्बैंड हेल्प करते हैं, बेटा मेरा बहुत हेल्प करता है और वो भाभी आती है वो कुक करती है, मतलब सुबह का दोपहर का लंच इवनिंग के लिए चपाती वगैरह बनाने के लिए आती है। जब आप किचन में काम कर रहे हैं ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई चीज़ आपको नीचे से उठाना है, कोई चीज़ भारी चीज़ उठाना है, तो इतना झुकना नहीं है आपको, अब नीचे से कोई भारी चीज़ ऐसे उठाना नहीं है,
आपको बिल्कुल भी भारी चीज उठाना नहीं है। आप किसी को बोलिए हेल्प करने के लिए, घर में तो लोग होंगे उनको बोलिए हेल्प करने के लिए। और मान लीजिए इस टाइम पे कोई नहीं है, जिस टाइम पे आपको कोई सामान ले रहे हो कि आप किचन में हो, कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कुछ दिन ना चीजों को थोड़ा ऊपर रखने के लिए सेल्फ में। मैंने अभी जैसे किया, क्या किया मैंने सर्जरी से पहले ही मैंने ये किया था। सर्जरी से जाने के 2 दिन पहले मुझे, जैसे मुझे पता है कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या क्या लगता है, जैसे ओट्स हो गए और पोहा हो गया, रवा हो गया, सूजी हो गया, सत्तू हो गया, जो मुझे खाने के जितने आइटम है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सब ना मैं इधर मेरे सेल्फ में ऊपर स्टोर करके गई थी हाथ के पास की, ताकि मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकूं विदाउट किसी को बुला के। हमेशा सब कोई फ्री या अवेलेबल नहीं रहते कि आपकी हेल्प कर सके, तो बिफोर सर्जरी थोड़ा प्लान करके रखो और उसके बाद भी। तो हमेशा याद रखिए भारी चीज़ आपको नीचे से लेसर उठाना नहीं है। आप सेल्फ में काम कर रहे हो, आप चाय बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, वो इट्स ओके, बट आपको भारी चीज़ नहीं उठाना है पहले। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आगे के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, वाटर इनटेक, पानी पीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ भी बैठते हैं, अगर आप काउच में बैठ रहे हैं तो एक पानी का बोतल रख लो, बेड साइड में एक पानी का बोतल रख लो, आप जहाँ भी बैठ रहे हैं एक पानी का बोतल रखिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, सर्जरी के बाद हमारा बॉडी ऐसा वीकनेस रहता है, उठने में तकलीफ होता है, पेन होता है स्टिचेस को, तो हम ऐसा सोचते हैं कि कम पानी पियेंगे तो वॉशरूम बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा, बट ये सोच गलत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, 2 से 3 लीटर वाटर आपको लेना ही है। इससे क्या होगा ना कि जितना पानी इंटेक करोगे आपके बॉडी से टॉक्सिन उतना बाहर निकलेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो जो डाइट है वो पोर्शन कंट्रोल में लेना है, और जो वाटर इंटेक है 2 to 3 लीटर आपको वाटर लेना ही है, ताकि आपका जो मोशन है वो अच्छे से पास हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो, अच्छे से डाइजेस्ट हो, आपका बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन जो है वो निकल जाए और बॉडी अच्छे से रिएक्ट करे और अच्छे से हील हो जाए। तो वॉशरूम जाने के डर से पानी पीना बंद मत कीजिएगा, अच्छा खासा पानी इंटेक कीजिए, ताकि आपका जो स्टमक है, जो मेन स्टमक है, उसका जो मूवमेंट है सब अच्छा रहे और अंदर से आप अच्छा फील करो, स्किन भी ड्राई ना हो। और ऐसे भी अभी समर चल रहा है, समर का टाइम है तो वाटर तो पीना ही है, तो अच्छा खासा वाटर इंटेक कीजिए, जूसेस पीजिए। और मैं तो ज़्यादा टेट्रा पैक का जूस नहीं पीती हूँ, पैक जूस नहीं पी रही हूँ, क्योंकि उसमें शुगर तो होता ही है, जितना भी हेल्दी बोले शुगर कंटेंट होता ही है, फिर मुंह में वो आदत हो जाता है। तो हो सके तो वाटरमेलन जूस वगैरह या जो भी जूस पीने का मन है घर पे बना के ही पी रहे हैं, बट मैं जूस पीती हूँ बहुत कम। मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ फ्रूट्स को वैसे ही खाने का, वैसे ही कट करके खाने को मैं पसंद करती हूँ। तो आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ऐसे करके लिक्विड जितना लेंगे ना, ठीक है वॉशरूम आ रहा है जाइए, जितना बार हो जाइए, तकलीफ होगा उठने में, हल्के से पोजिशन लेके उठिए, बट वाटर इनटेक इज मोस्ट। बेड में पड़े पड़े क्या करें, ये सोचते हैं ना कि बेड में पड़े पड़े करना क्या है, क्योंकि उठते हैं, चलते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो कितना टीवी देखे, टीवी देखना है, मोबाइल स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम देखना है, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, बट उसके साथ साथ ना आपको ये जो वक्त मिलता है ना, इसमें कोई ना कोई हैबिट को ऐड कीजिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों, मैं भी बुक लवर नहीं थी पहले, मैं बुक नहीं पढ़ती थी, बट मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स अभी पढ़ने लगी हूँ। जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियोज़ में बताया था एटॉमिक हैबिट, ये तो ज़रूर सबको पढ़ना चाहिए। इससे आपको ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया गया है, और आपका बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, किस तरीके से आप अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, अपने हैबिट्स को बदल के हम किस तरीके से बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। तो ये बुक तो बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और मेरे पास और भी बुक था, सुधा मूर्ति का बुक था, ये महाभारत के बारे में, महाभारत का पूरा कहानी है, तो इसमें से भी मैं पढ़ती हूँ। और मैं गौर गोपाल दास जी का ये बुक पढ़ती हूँ, और भी बुक है, और मैं गीता भागवत गीता पढ़ती हूँ। तो ऐसे अपने आप को बिजी रखी हूँ बुक्स पढ़ने में, क्योंकि बुक से ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चलती है, और जो कि टीवी में हम देखते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है टीवी वगैरह से, बट थोड़ा वक्त अपने साथ बिताओ। जब आप बुक्स पढ़ोगे ना, ये जब पेपर्स को आप पलटोगे, ये सब हम स्कूल कॉलेजेस में बुक्स पढ़ते थे ना, तो जब पेजेस को पलटोगे, एक एक लाइन को पढ़ोगे, जो लाइन आपको अच्छा लगेगा उसको हाईलाइट करके रखो, और बाद में उसको और 2 बार पढ़ो, तो वो जो
मीनिंग है ना, जो सेंटेंस है, जो मीनिंग है वो आप रिकॉल कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जुड़ा भी रहता है। बहुत बार ऐसा होता है भागवत गीता में तो यही होता है कि जो भी चीज़ें लिखी है ना हमारे डे टू डे लाइफ में वो होता ही है। तो मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, मेरे बेटे को भी पढ़ाती हूँ, वो भी पढ़ता है, वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ता है क्योंकि वो महाभारत देखता है, उसको महाभारत देखना बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। तो आप भी अपने रिकवरी के टाइम में कुछ ना कुछ हैबिट को ऐड कीजिए, जैसे कि बुक पढ़ना अगर अच्छा लग रहा है तो बुक पढ़िए, पेंटिंग करना अच्छा लग रहा है तो आप आराम से तो कुछ पेंट कीजिए। आपको कुछ अगर आप बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप आजकल बहुत सारे ऑडियो बुक्स आ गए वो पढ़िए, और ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा बुक से। तो बुक जरूर पढ़िए, मुझे तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि बुक पढ़ना एक हैबिट बनाना बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, बट जब आप धीरे धीरे इसको पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, तो आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंस आपके लाइफ में देख पाओगे। तो बुक जरूर रीड कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा पढ़ना चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं भी वो बुक तो देखूँ कि आप लोगों को कौन से बुक अच्छे हैं। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, मुझे भी हुआ, पहले वाले सर्जरी में नहीं हुआ था लेकिन अभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, इतना पानी पीने के बाद, फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद भी होता है, कभी कभी किसी को होता है, इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो सबसे पहले जब हॉस्पिटल में मैं जब थी ना, मुझे ये वाला मेडिसिन दिया था, ये देखिए, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने पूछा था कि मैम आप कौन से मेडिसिन ले रहे हैं वो आप शेयर कीजिए। तो ये मेडिसिन पहले मुझे ये मेडिसिन दिया था डॉक्टर ने, लूज़, ये देखिए ये वाला दिया था। तो हॉस्पिटल में मुझे सर्जरी के बाद ये दिया था, ये मैंने लिया था तो एक दो दिन मुझे फ़ायदा दिया था, उसके बाद मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं दिया। और डिस्चार्ज के वक्त मुझे ये दिया था, ये लास्ट टाइम दिया था, लास्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा ये काम आया था, ये वाला मेडिसिन मुझे लास्ट टाइम बहुत अच्छा काम आया था, बट इस बार ये भी फेल हो गया सीरियसली। तो मैंने डॉक्टर को जब गई थी स्टिचेस ओपन करने के लिए बोला था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, इतना वाटर इनटेक करने के बाद, फ्रूट वेजिटेबल्स सब लेने के बाद भी हो रहा है, बोल नहीं सकते बॉडी में कभी क्या रिएक्ट कर जाए, कौन सा किसको काम आए कौन सा नहीं है। तो ये जो मेरे चैनल में जो भी मैं बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना ये टैबलेट दिया डॉक्टर ने, ये टैबलेट आप देखिए, इसका नाम आपको दिखता होगा यहाँ पर, ये देखिए ये नाम जो है ना नीचे लिखा हुआ है, ये नेम है टैबलेट का, दिस वन, देखा, ये टैबलेट दिया था मुझे, नाम दिखा आपको, हाँ। तो ये जो है ना पूर्विट वन ऐसा कुछ है ये वाला मेडिसिन, तो ये मेडिसिन मुझे दिया था। तो ये मेडिसिन ना फर्स्ट डे ली तो कुछ इतना फ़ायदा नहीं हुआ, सेकेंड डे ली तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिला कि हाँ कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल रहा है। तो अभी तो फिलहाल मैं ये टैबलेट ले रही हूँ, रोज़ रात को एक लेती हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जो आपके सर्जन है ना वही आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या आपके बॉडी के लिए अच्छा है क्या नहीं। तो मुझे ये जितने भी लिक्विड है ये कुछ काम नहीं दिया, तो मुझे ये टैबलेट उन्होंने सजेस्ट किया था, तो फिलहाल मैं ये टैबलेट ले रही हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो अभी नॉर्मल है मेरा, एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ मैं, अच्छा वाटर इनटेक कर रही हूँ, फ्रूट वेजिटेबल सब ले रही हूँ, और तो एक प्रॉपर डाइट एक फॉलो करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना तो अपने सर्जन से, जो सर्जन आपका सर्जरी किया उनसे पहले कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, और फिर आपको देखिए वो कहीं कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर। ये कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही थी, मैं करना चाह रही थी। बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मेरे इस चैनल में, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आपके भी कुछ एक्सपीरियंस रहे तो ज़रूर, अगर आपके पास कुछ अच्छा पॉजिटिव मतलब इन्फॉर्मेशन रहे सबके लिए तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि सबको फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं मेरे अगले वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आ रही हूँ, एडिटिंग अभी टाइम नहीं हो पा रहा है लाइक बैठ के प्रॉपर एडिट करने का, तो जितना मुझसे होगा मैं एडिट करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, जो मेरे पुराने वर्कआउट के वीडियो है, ट्रैवल के वीडियो है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए खूब सारा ध्यान, अपने आप से कीजिए प्यार, और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।